हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपकमिंग रेडमी नोट सीरीज के इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन सीरीज के बारे में, जो कि होगी रेडमी नोट 12 प्रो 5G सीरीज। और ये बिग सक्सेसर होने वाली है प्रीवियस रेडमी नोट 11 प्रो 5G सीरीज की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Xiaomi की रेडमी नोट सीरीज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज मानी जाती है और इस सीरीज के स्मार्टफोन सबसे ज्यादा सेल भी किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है ये लोग मिड रेंज सेगमेंट के अंदर प्रीमियम सेगमेंट के फीचर्स ऑफर कर देते हैं और अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर मार्केट के अंदर उतार दिया जाता है। प्रीमियम डिजाइन और इंटरेस्टिंग फीचर्स की वजह से ये स्मार्टफोन्स मार्केट में पॉपुलर हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आप रेडमी की नोट 12 सीरीज के लिए वेट कर रहे थे तो आपके लिए गुड न्यूज निकल के आ चुकी है, जो की आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं रेडमी नोट 12 प्रो 5G सीरीज के बारे में। इसमें कितने स्मार्टफोन्स होंगे, क्या प्राइस होगी और ये कब तक लॉन्च होने वाली है, तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस यार, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सीरीज पहले चाइना के अंदर जाएगी, उसके बाद इंडिया में रीब्रांड होकर लॉन्च की जाएगी। जिस तरह प्रीवियस रेडमी नोट 11 सीरीज पहले चाइना के अंदर गई थी, उसके बाद इंडिया में रीब्रांड होकर Xiaomi 11i के नाम से लॉन्च की गई थी। सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। ये सीरीज पहले चाइना में जाएगी, इंडिया के अंदर रीब्रांड होकर आने वाली है Xiaomi के अंडर में Xiaomi 12i के नाम से। और इंडिया वाली जो ओरिजिनल नोट 12 सीरीज होगी वो बाद में लॉन्च की जाएगी, जिसमें आपको एकदम डिफरेंट फीचर्स होंगे और उसकी प्राइस अंडर 20,000 रहने वाली है। दोस्तों, इसमें पहले दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जाएंगे, रेडमी नोट 12 प्रो और नोट 12 प्रो प्लस या फिर मैक्स। दोनों स्मार्टफोन्स 5G रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू लीक्स क्वालकॉम के चिपसेट्स देखने को मिल जाएंगे और बाद में आपको रेडमी नोट 12 S ये सारे स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे। अगर दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो गाइस इन दोनों स्मार्टफोन्स का डिजाइन काफी होगा Xiaomi 12 सीरीज से। रियर साइड में ग्लास दिया जाएगा विद कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास होंगे, एलईडी फ्लैश होगी और Redmi की ब्रांडिंग होगी। प्लास्टिक का फ्रेम होगा, ये सेंटर पंचोल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आने वाले हैं। दोस्तों, डिस्प्ले की बात करते हैं तो 120Hz का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। यहां पर HDR 10 प्लस का सपोर्ट और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। कैमरास की बात करते हैं तो रियर साइड में ट्रिपल कैमरास दिए जाएंगे। प्राइमरी लेंस दोनों के अंदर 108 मेगापिक्सल का मिल सकता है विद OIS, बाकी एक अल्ट्रा वाइड होगा और एक माइक्रो लेंस दिया जाएगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाएगी। इसके रियर कैमरा में 4K सपोर्ट भी दिया जाएगा। अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नोट 12 प्रो 5G के अंदर अकॉर्डिंग टू लीक्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G 5G चिपसेट मिल सकता है। वहीं पर 12 प्रो मैक्स 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 5G चिपसेट मिल सकता है, जो कि ओनली 4 nm पर बेस्ड है, काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। ये प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट का चिपसेट है, गेमिंग आपको काफी तगड़ी कराता है। बाकी दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जो कि MIUI 13 के लेटेस्ट वर्जन पर आएगा। दोस्तों, बैटरी की बात करते हैं तो दोनों में अप्रोक्स 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी, जहां पर 120W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट होगा, 3.5mm का जैक, फेस अनलॉक और 12 स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। और अगर फाइनली इनकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो गाइस, नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है एक्सपेक्टेड 15,000, लगभग 15,000 रुपए, और 12 प्रो मैक्स 5G की प्राइस एक्सपेक्टेड 20,000, लगभग 20,000 रुपए होने वाली है। ये दोनों स्मार्टफोन्स 15 से 20,000 के प्राइस सेगमेंट में चाइना के अंदर लॉन्च कर दिए जाएंगे, बट इंडिया के अंदर ये Xiaomi के अंडर में आएंगे तो इनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,000 के नीचे ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। और लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन सीरीज अक्टूबर के एंड तक लॉन्च कर दी जाएगी। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।